नमस्कार साथियों, आज हम महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे कि भाई बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या आ जाती है कि यार आप कंपनी में काम कर रहे हैं काफी टाइम से, ठीक है जी, और आप घर आ गए किसी भी रीजन की वजह से, पीछे से आपके पास फोन कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, जी आप मत आना, आपका वीजा कैंसिल कर दिया हमने। अरे वाह भाई, क्या है ये? अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना है कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या कंपनी, आप घर छुट्टी आ गए, क्या कंपनी पीछे से आपको कैंसिल कर सकती है या नहीं कर सकती, इस पे हम बात करेंगे। क्या कोई कंपनी छुट्टी पर कोई कर्मचारी गया है पीछे से उसको कैंसिल कर सकती है, या उसकी तनख्वाह वगैरह दिया बिना उसको कैंसिल कर सकती है, या फिर उसके बिना हस्ताक्षर किए क्या वीज़ा कैंसिल हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। भाई दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन सेम कंडीशन लागू होती है, लेकिन हम बात करेंगे यूएई से रिलेटेड। जी हाँ भाई, वीडियो पूरा देखिए, आप सभी लोगों की जानकारी काम की हो सकती है, क्योंकि कंपनी को आपको बेवकूफ़ बनाते देर नहीं लगती है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कंपनी कैंसिल कर सकती है, अगर आप एक छोटी सी गलती कर देते हैं ना, तो 100% आप घर बैठे हैं कंपनी पीछे से वीज़ा कैंसिल कर देगी, सबूत भी वो अपने पास रखेगी। ये देखिए जी, क्योंकि आपने साइन किए हैं, आप साइन कहाँ किए हैं इस पर हम लास्ट में बात करेंगे। हर कहीं पर आप मनमर्जी कंपनी साइन करवा रही है, साइन मत कीजिएगा, पहले उसको पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ोगे, हालांकि इंग्लिश में लिखी होती है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, साथ वाले से पढ़ाओ अगर इंग्लिश नहीं आती है तो, वरना वो बड़ी तेज तरार की दिमाग लगाते हैं। आगे बताएंगे भाई, पूरा देखिए वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ देखिए साथियों, बता दूं दुबई का जो लेबर कानून है 1980 एक्ट 8 में ये पूरा प्रावधान बताया गया है कि कंपनी में आपकी सैलरी बाकी है, तनख्वाह बाकी है, बोनस बाकी है, या आप छुट्टी पे गए हुए हैं, तो कंपनी कोई भी मायके लाल आपको पीछे से आपको टर्मिनेट नहीं कर सकती, आपका वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकती, आपको वीज़ा रद्द नहीं कर सकती। जी हाँ, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। कोई कंपनियां आपको फ़ोन करें, ईमेल करें ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको इतना बोल दीजिए, सर दुबई का कानून, जो लेबर लॉ कानून है वो मैं जानता हूँ, और आप इतनी बात करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। जी हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्ट 90 के अनुसार कोई भी कर्मचारी कंपनी का छुट्टी गया है अपने देश में, उस देश में वो नहीं है, तो उसका वीज़ा रद्द नहीं किया जा सकता। जी हाँ, और छुट्टी के दौरान उसको नोटिस भी नहीं दिया जा सकता, इस बात को भी ध्यान रखिए। भाई आप छुट्टी आ रहे हैं, पीछे से नोटिस ईमेल पे आ जाता है, आज तो बड़े आजकल सोशल मीडिया, भाई ईमेल पे नोटिस आ गया, व्हाट्सएप पे नोटिस आ गया, जी बस कंपनी में आपने मिस्टेक कर दी, गलती कर दी, इसलिए आप मत आना। ये नोटिस इलीगल है, गलत नोटिस है, वो सही नहीं है। कोई भी कर्मचारी, दोनों बात फिर सुन लीजिए, कोई भी कर्मचारी अगर वो छुट्टी गया है तो पीछे से वीज़ा रद्द नहीं हो सकता, अगर वो छुट्टी गया है तो पीछे से उसको नोटिस नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, दुबई का लेबर लॉ एक्ट 19 में ये बातें 90 में लिखी गई है। जी हाँ, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूँ भाई आपको, छुट्टी जाने से पहले प्रत्येक कर्मचारी का हक बनता है, और प्रत्येक कंपनी का मालिक का नियुक्ता का जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वर्कर को छुट्टी जाने से पहले पूरा बकाया उसकी तनख्वाह, उसका बोनस उसको देना ही पड़ेगा। जी हाँ, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये एक्ट 80 के अनुसार बताया गया ये पूरा प्रोसेस। जी हाँ, एक शर्त पे कंपनी आपका वीजा कैंसिल कर सकती है, वर्क एग्रीमेंट, वो कैसे कि लगातार आप 20 दिन तक कंपनी को बिना इन्फॉर्म किए, बिना कोई वैलिड कारण के, आप 20 दिन तक अगर आप बिना बताए कंपनी में उपस्थित रहे हैं, तो कंपनी आपका वर्क एग्रीमेंट कैंसिल कर सकती है। इस बात को ध्यान में रखिए, लीगल आपका होना चाहिए। आप छुट्टी भी आ गए, आप एक महीने लेट पहुंच रहे हैं, हालांकि नॉर्मल चल जाता है, लेकिन कहीं ऐसा होता है तो भाई आपके पास क्यों रीज़न क्या था, वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए, वो आपको कंपनी में पेश करना पड़ेगा। कल को कंपनी आपको टर्मिनेट कर दे तो आप मोहरे में भी जाते हैं, तो वो एविडेंस आप साथ में लगा सके, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ भाई, कई कंपनियाँ हैं वो रिस्क ले लेती हैं, आपको जॉब से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, नोटिस दे दिया, फुरफार हो गया, आप जाओ घर पे, ऐसा हो सकता है। अगर आप कंपनी, आपको लगता है आप यूएई में हैं, कंपनी के डंडा देना चाहते हैं, तो मोहरे में सीधा आपको शिकायत करना पड़ेगा, मोहरे आपका समझौता नहीं करवा सकता, पार नहीं पड़ती है, तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। जी हाँ, अनुच्छेद 120 के तहत आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको लगता है कि यार कंपनी ने अपने साथ नाइंसाफी की है, गलत तरीके से बर्खास्त किया है, तो सबसम कोर्ट से आप जाँच करवाने के आदेश ले सकते हैं। बाकायदा हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। जी हाँ,
कोर्ट आदेश दे सकता है कि जांच की जाए कि इसकी गलती है ही या नहीं थी, या कंपनी ने इसको मनमर्जी से निकाल दिया। अगर मनमर्जी से निकाला है तो कंपनी उसका खर्चा प्लस उसकी जो पिछले 6 महीने में जो तनख्वाह ले रहा था उसकी 3 महीने की एडवांस सैलरी कंपनी को देनी होगी। जी हाँ, तब तक कि जब तक उसको सस्पेंड किया गया उससे पीछे की और सस्पेंड करने के 3 महीने की आगे की एडवांस की तनख्वाह कंपनी को देनी पड़ेगी। जी अब महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए भाई कि आप इंडिया में बैठे हैं, छुट्टी आए हैं, कंपनी ने कुछ नहीं किया, आपको वीजा रद्द हो गया, कैसे हो जाता है? आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ कंपनियां प्लानिंग करती हैं, वो आगे की करती है कि इस बंदे को हमें 6 महीने बाद ये घर जाएगा, तो किसी बहाने से आपको डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए जाते हैं। जी हाँ, वो साइन पूरे इंग्लिश में लिखे होते हैं, उसमें पूरी कंडीशन इसलिए लिखी होती है कि कंपनी अपने तरीके से लिखवा लेती है कि भाई ये है, मैं मर्जी से जा रहा हूँ, ये मैं मेरा, वो इंग्लिश में लिखा होता है, आपको नहीं पता होता, आपको तो लगता है यार कंपनी चलो साइन करवा रही है तो आप साइन कर देते हैं। एक्चुअल में वो साइन होता है कि मैं मन मर्जी से मेरा वीज़ा रद्द करने के कंपनी को निर्देश दे रहा हूँ, ऐसा कुछ वो लिखवाते हैं। और आप छुट्टी आ जाओ फिर भी वो आपका वीज़ा रद्द कर देंगे क्योंकि आपने साइन किए थे उस पेपर पे, उस पेपर के भी आप पे आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा और आप यहीं बैठे रह जाओगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी लेटर हेड पे, खाली पन्ने पे या इंग्लिश में लिखा हुआ कोई भी है तो आप पढ़ लें, खुद को नहीं आता तो भाई पड़ोसी से पढ़वा लें। आजकल तो यार स्कैनर भी हैं, ऐसे रखो मोबाइल से स्कैन कर लो, उसको हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है, 2-4 शब्द पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये वीज़ा से रिलेटेड है, भाई वीज़ा कैंसिल करवाने का ये लेटर लिखवाया जा रहा है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, कहीं पर भी आप साइन करोगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, इन चीज़ों को आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बस ये आपको छोटी सी अपडेट देनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।